नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नए ब्लॉग में। आज मैं आया हूँ अपने प्लॉट पे। देखो यहाँ पीछे एक घर बन रहा है, मेरा नया घर। आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी जगह है, काफ़ी खुला मैदान है इधर, खेत वेत सब कुछ है, पेड़ खलियान। देखो आपको दिखाता हूँ अभी। और देखो लॉकडाउन में अभी यहाँ के अपने अपने ही प्लॉट पे आके मजदूरी करनी पड़ रही है, ऐसी हालत हो चुकी है, क्या करें। क्योंकि लॉकडाउन में कोई आ नहीं रहा मज़दूर वगैरह, एक एक को बुला के लाए हैं, देखते हैं उससे काम चला रहे हैं। अभी दिखाता हूँ आपको आगे, ये देखिए ये पानी का होद है, और ये कमरा, ये करीबन आधी चिनाई हो चुकी है, आधी बाकी है। अभी टोटल 5 कमरे हैं इधर, और घासी अभी रेस्ट कर रहा है। घासी कुछ क्या बचाओगे, रेस्ट कर रहा है अभी। देखो पेड़ों की छांव, पेड़ भी है इधर। ये देखो सामने घर है एक, और इधर इधर काफ़ी दूर दूर तक घर है। घर अच्छे कैसे बने हुए हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं, बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि अभी मज़दूर भी नहीं है, काम करने वाले भी नहीं है। पर ये खुली जगह है, पेड़ पौधे हैं, ठंडी हवा चलती रहती है। अगर लाइट ना हो तो भी यहाँ से काम चला सकते हैं। देखो सामने भी काम चल रहा है, और ये एक सामने घर बना हुआ है इधर, और पीछे भी है काफ़ी। ये देखो अभी करीबन आधी चिनाई हो चुकी है, आधी बाकी है, टोटल 5 कमरे हैं। ठीक है, तो देखा कि इस पत्थर को उठा के उधर लेके जाएंगे, बैठने के काम आएगा ये। ये देखिए एक कमरा ये है, दूसरा कमरा इसके साथ में, और ये बीच में हॉल है। अभी रसोई का काम चल रहा है, पत्थर डाले जा रहे हैं इसमें, उसके बाद इसके अंदर कच्चा माल मसाला डाला जाएगा। ये रसोई बनाई है हमने, ये जगह खाली। ये सामने का कमरा, एक कमरा ये और एक कमरा ये, टोटल 5 कमरे हैं। और इसके अंदर अभी मिट्टी का ज़्यादा डल गई है इसके अंदर, तो बाद में निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये मिट्टी ज़्यादा हो गई थी, और मिट्टी ज़्यादा होने के कारण अभी काम थोड़ा सा स्टॉप है। जैसे ही कल से लॉकडाउन खुल जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, उसके बाद काम पूरा चालू हो जाएगा। तब तक के लिए बस एक दो दिन में ईंट अंदर डाल रहे हैं। और देखो ये है हमारा घासी, परमानेंट बंदा है ये, तब जब से आया तब से लगा हुआ हमारे साथ में। ये काम रुकने के बाद भी दोबारा लग जाता है ये।